नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीरू जी हैं, इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह चिंसा के लिए। नीरू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नीरू जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी एमए एमए बी है। कितने समय से आ रहे हो आप डेरा? स्टार्टिंग से आ रही हूं, जब से जन्म लिया तभी से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूं। कितना विश्वास करते हो? बहुत ज्यादा। हम देखते हैं डोर के बता रहे हैं कितना विश्वास कर रहा। हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी अच्छी बातें देखने को मिली है कि ना वर्णन भी नहीं कर सकते। क्या क्या सिखाया जाता है? बहुत कुछ। कैसे रहना है दुनियादारी में, कैसे जिंदगी जीनी है, ऐसी ऐसी बातें हैं मतलब जो मतलब सिंचाई के राह पे चलना, गरीबों की मदद करना, अपनी कमाई में से अपना दसवां हिस्सा निकाल के गरीबों के परमार्थ वगैरह करना, ऐसी ऐसी बातें हमें सीखने को मिली है। मैम, जो मीडिया में दिखाया जा रहा था उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया जो दिखा रही है, हमें तो उस पर पहले भी विश्वास नहीं है, ना कभी होगा। जो सच्चाई है वो सच्चाई नहीं रहेगी। फिर असलियत क्या है लोगों के लिए, समाज के लिए क्या योगदान रहा है? सर, असलियत जो है वो तो उनके टाइम तो लगेगा फिर सामने आती है, पर हमें पता है क्या असलियत है। क्या जरूरत है संत जी की समाज को? बहुत ज्यादा जरूरत है। संत के बिना तो मतलब कि समाज चल ही नहीं सकता। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि मतलब निर्दोष है हमारे संत जी, बिल्कुल ही कोई दोष नहीं, हमने कोई भी बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल रिहा करना चाहिए समाज को। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार रिहाई की मांग की जा रही है डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह चिंसा के लिए। आप भी अपनी राय डालते हुए देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।